यूपी बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया प्रदेश प्रभारी। भूपेंद्र यादव को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी। ओम माथुर पहले ही कर चुके हैं कार्यमुक्त करने का आग्रह। कानपुर कार्य समिति की बैठक के बाद राज्य से किया किनारा। यूपी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए खुशखबरी है, यूपी में बीजेपी को जल्द ही नया प्रभारी मिल सकता है। इसको लेकर कयासों का दौर शुरू हो गया है। दरअसल मौजूदा प्रभारी ओम माथुर ने केंद्रीय नेतृत्व से खुद को इस कार्यभार से मुक्त करने का आग्रह किया था। इसके बाद पार्टी ने नए चेहरे की तलाश शुरू कर दी है। प्रभारी की रेस में राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद भूपेंद्र यादव का नाम सबसे आगे चल रहा है, पर दिक्कत यह है कि पार्टी राजस्थान में उनकी सेवा लेना चाहती है। वहाँ इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं और पार्टी की स्थिति वहाँ काफी डावाडोल नजर आ रही है। माना जा रहा है कि यदि उन्हें राजस्थान विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारी नहीं दी गई तो हो सकता है कि यूपी का प्रभारी बनाया जाए। बता दें कि विधानसभा चुनाव के बाद से ही यूपी प्रभारी ओम माथुर ने कानपुर में हुई कार्य समिति की बैठक के बाद से यूपी का रुख नहीं किया है, जबकि इस बीच कई अहम घटनाक्रम भी हुए हैं, लेकिन उन्होंने राज्य में झांका तक नहीं है। इसके पीछे पार्टी के ताकतवर पदाधिकारी से उनकी नाराजगी बताई जा रही है। उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व से खुद को कार्यमुक्त करने का आग्रह भी किया है। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों 2014 में जब आदरणीय मोदी जी ने दिल्ली की सत्ता संभाली तब से ही एक्शन मोड में है, और भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से लेकर के बूथ तक के कार्यकर्ता हमेशा जनता के साथ संवाद में है, जनता से रूबरू हैं, और जो लोक कल्याणकारी नीतियां हैं उनको लेकर के जन जन में जागरूकता पैदा करने के लिए संवाद कर रहे हैं। रहा सवाल जो आपका विषय है उस पर, ये सांगठनिक निर्णय होता है, ये किसी गठबंधन से प्रभावित होकर के कोई निर्णय नहीं होता। दरअसल लगातार हार के बाद मिशन 2019 के फिसलते लक्ष्य को देखते हुए बीजेपी में संगठन के स्तर पर जल्द बड़ी सर्जरी की जा सकती है। पार्टी में कुछ अहम पदों पर बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। संघ के इशारे के बाद इस दिशा में जल्द फैसला लिया जा सकता है। उपचुनावों में लगातार हार के बाद पार्टी के अंदर असंतोष के सुर तेज हो रहे हैं। इसी सब को ध्यान में रखकर संगठन में जरूरी फेरबदल किए जा रहे हैं। जहां तक भूपेंद्र यादव का सवाल है तो यूपी के जाति समीकरण को देखते हुए वे इस पद पर फिट भी बैठते हैं। अब देखना है कि पार्टी यूपी में उनकी सेवाएं लेती है या किसी और राज्य में। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।